शिविर समाप्त करने के पहले एक बात और कहनी है, और वो बात ऐसी है कि उसे कहे बिना चूकता नहीं, उसमें मेरा अपना स्वार्थ समाया हुआ। आखिर बनिए के घर में जन्माना, थोड़ी तो स्वार्थ की बू रही जाती है। क्या स्वार्थ है मेरा? एक परंपरा है अपने यहां, एक मान्यता है अपने यहां कि किसी गुरु के पास कोई विद्या सीखो, कोई विद्या सीखो, लौकिक हो, पारलौकिक हो, लोकोत्तर हो, कैसी विद्या सीखो, और उस गुरु को यथोचित गुरु दक्षिणा नहीं दो तो विद्या फलवती नहीं होगी, बलवती नहीं होगी। ये परंपरा मुझे बड़ी अच्छी लगती है। दक्षिणा चाहिए ना? शिविर में आने वाला हर व्यक्ति कोरा नहीं जाता, कुछ न कुछ दान दे के जाता है, अपनी पुण्य पारमी बढ़ाने के लिए दे के जाता है, पर वो दान तो आगे आने वाले जो साधक हैं उनके लिए, उनके भोजन के लिए, उनके निवास के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए। गुरु को क्या मिला? मोटे गुरु को भी दक्षिणा चाहिए और मोटी दक्षिणा चाहिए। इस परंपरा में क्या मोटी दक्षिणा होती है? ये जो सुबह शाम घंटे घंटे विपश्यना करोगे और उसके बाद 5-10 मिनट अपना पुण्य बांटोगे, वितरण करोगे, मंगल मैत्री करोगे, तो हो सकता है याद कर लो, न भी याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कहोगे मेरे पुण्य में सब भागीदार हों, सबका मंगल हो, सारे प्राणी सुखी हों, अरे सारे प्राणियों में ये भी एक प्राणी है, तो मंगल मैत्री दौड़ी हुई आएगी हमारी ओर। ये दक्षिणा देनी भूल जाओगे, सुबह शाम ये दक्षिणा नहीं दोगे तो भाई ये विद्या बलवती नहीं होगी, और बलवती नहीं होगी तो फलवती नहीं होगी। सुबह शाम खूब मन लगाकर काम करें और फिर जीवन में उतारें, बड़ा मंगलकारी धर्म है, बड़ा कल्याणकारी धर्म है। अपने मंगल के लिए किसी परेशान नहीं कर रहे, रतन मिला है, संभाल के रखेंगे, संवर्धन करेंगे, अपने भले के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनी स्वस्थ मुक्ति के लिए, अरे अनेकों के भले के लिए, अनेकों के कल्याण के लिए। जैसे जैसे धर्म में पकते जाओगे, देखोगे कि औरों के कल्याण में सहायक बन गए, औरों के कल्याण में सहायक बन गए, ऐसा होने ही लगता है। खूब पको, खूब पको, धर्म जागे, खूब फैले, खूब लोक मंगल हो, खूब लोक मंगल हो।